नमस्कार दोस्तों, आप सभी का वेलकम है एक बार फिर से। और दोस्तों, आज इस वीडियो में हम अनबॉक्सिंग करेंगे और चेक करेंगे ये स्मार्ट सिक्योरिटी कैमरा। और दोस्तों देखिए, कैमरा आ जाता है MOU ब्रांड की तरफ से, रेंजर 2 मॉडल है। और दोस्तों यहाँ पर देखिए, आपको 2 मेगापिक्सल का कैमरा सेंसर मिल जाता है, एंड यहाँ पर आपको फुल HD वीडियो रिकॉर्डिंग मिल जाती है, नाइट विजन, स्मार्ट ट्रैकिंग एंड 360 कैमरा है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, करते हैं इस कैमरे की अनबॉक्सिंग, चेक करते हैं इस कैमरे को, देखते हैं दोस्तों कैसे इसकी परफॉर्मेंस है और क्या क्या फीचर इस कैमरे में आपको मिलते हैं, कैसे इसे इंस्टॉल करना है, कैसे इसे यूज़ करना है, दोस्तों सब कुछ आपको आज इस वीडियो में मैं बताऊंगा। और दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, सब्सक्राइब कर दिया करो। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, ऐसा कुछ ही बॉक्स आपको देखने को मिल जाता है, एंड देखिए ऐसा कुछ आपको डिज़ाइन मिल जाता है इस कैमरे का। एंड यहाँ पर देखें बॉक्स में, तो देखिए दोस्तों इस कैमरे में आपको देखिए काफ़ी सारे फीचर आपको मिल जाते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, आपको फुल HD में वीडियो रिकॉर्डिंग मिल जाती है, एंड यहाँ पर आपको 2-way टॉक मिल जाता है, मतलब कि अगर आपके सामने कैमरा लगा है तो आप मोबाइल में अगर आप बोलते हो तो कैमरे में भी आपकी आवाज़ आएगी, और अगर कैमरे में कोई बोलता है तो आपको मोबाइल में भी वो चीज़ सुनाई देगी। एंड यहाँ पर 360 व्यू मिल जाता है, तो कैमरे को आप ऊपर नीचे लेफ्ट राइट घुमा सकते हो, एडजस्ट कर सकते हो। एंड यहाँ पर स्मार्ट ट्रैकिंग मिल जाती है, मतलब कैमरे के आसपास कोई चलता है तो कैमरा उस चीज़ को ट्रैक भी कर लेता है, कैमरा अपने आप ऊपर नीचे होकर या लेफ्ट राइट होकर उसे ट्रैक करेगा। एंड यहाँ पर आपको प्राइवेसी मोड भी मिल जाता है, कैमरे को आप बंद भी कर सकते हो। एंड नाइट विजन मिल जाता है, अंधेरे में भी दोस्तों कैमरा काम करता है। मोशन डिटेक्शन मिल जाती है, अगर कोई चलता है आसपास तो कैमरा उस चीज़ को डिटेक्ट कर लेता है। ह्यूमन डिटेक्शन मिल जाती है, अगर कोई आसपास बंदा अगर उसके पीछे घूमता फिरता दिखाई देगा, कैमरा उस चीज़ को डिटेक्ट कर लेता है। अलार्म जोन, अगर आपने कैमरा कहीं ये लगा रखा है तो अगर आसपास कुछ भी मतलब उसकी हलचल होती है तो कैमरे में अलार्म भी बज जाएगा, वो भी फीचर आपको इस कैमरे में मिल जाता है। एंड यहाँ पर देखिए, आप इसमें अपनी मर्ज़ी से अलार्म भी सेट कर सकते हो, जब भी अलार्म बजना चाहिए वो आप यहाँ पर सेट कर सकते हो। एंड यहाँ पर दोस्तों आपको साउंड डिटेक्शन वाला फीचर भी मिल जाता है, मान लीजिए आपने कैमरा लगा रखा है छोटे बच्चे को देखने के लिए किसी को, तो अगर बच्चा रोता है या वहाँ पर कोई अजीब सी कोई साउंड हो जाती है, कोई हलचल होती है, तो वो भी दोस्तों ये कैमरा डिटेक्ट कर लेता है। एंड यहाँ पर आपको वाईफाई कनेक्शन मिल जाता है, तो वाईफाई से दोस्तों आप इस कैमरे को कनेक्ट करके यूज़ कर सकते हो। मोबाइल अलर्ट्स, यहाँ पर आप दोस्तों मोबाइल जो एप्लीकेशन है इस कैमरे की, उसमें आपको दोस्तों कैमरे के जो सारे अलर्ट्स हैं वो आपको मिल जाते हैं। एंड यहाँ पर देखिए, आपको क्लाउड स्टोरेज मिल जाती है वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए, SD कार्ड यहाँ पर लगाकर भी आप वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हो। एंड जियो फेंसिंग भी आपको मिल जाती है, मान लीजिए कैमरा आपने घर में लगा रखा है तो घर के आसपास अगर कोई हलचल होती है तो दोस्तों उसका भी पता आपको इस कैमरे में लग जाता है। एंड यहाँ पर आपको डिजिटल जूम भी मिल जाता है, तो कैमरे को लगाकर आप उसे जूम करके भी देख सकते हो। एंड देखिए, बॉक्स कुछ ऐसा आपको देखने को मिल जाएगा। एंड देखिए दोस्तों, इस कैमरे को आप एंड्रॉयड फ़ोन में भी यूज़ कर सकते हो, एंड यहाँ पर आप इसे iOS डिवाइस में यानी कि iPhone में भी यूज़ कर सकते हो, दोनों में ही आपको एप्लीकेशन मिल जाएगी। और दोस्तों ये देखिए, आप Alexa के साथ भी यूज़ कर सकते हो इस कैमरे को। और अगर हम यहाँ पर देखें तो दोस्तों देखिए, बॉक्स में जो प्राइसिंग दे रखी है, देखिए यहाँ पर 2700 रुपये प्राइसिंग दे रखी है, बट दोस्तों ये कैमरा आप अमेजोन से परचेस कर सकते हो सिर्फ और सिर्फ दोस्तों 1500 रुपये की प्राइसिंग में। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दोस्तों लिंक मैंने दे दिया है, वो लिंक चेकआउट करके दोस्तों आप इस कैमरे को ऑर्डर कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, बॉक्स ओपन कर लेते हैं, निकालते हैं इस कैमरे को बाहर। तो देखिए दोस्तों, ऐसे कुछ बॉक्स पैकेजिंग आपको देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए, सबसे पहले आपको एक यूज़र मैनुअल मिल जाती है, कैसे दोस्तों आपने इस कैमरे को यूज़ करना है वो दोस्तों सब कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपको मिल जाती है, आप चाहो तो इसे पढ़ सकते हो। एंड देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको कुछ स्क्रूज़ मिल जाते हैं इस कैमरे को माउंट करने के लिए। एंड दोस्तों देखिए, ये आपको माउंट करने के लिए एक चीज़ मिल जाती है, इस कैमरे को अगर आप माउंट करना चाहते हो तो ये देखिए आप यूज़ कर सकते हो। एंड देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको एक स्टिकर मिल जाता है, तो यहाँ पर अगर आपने होल करने इस चीज़ को लगाने के लिए तो आप इस स्टिकर का यूज़ कर सकते हो। एंड यहाँ पर दोस्तों देखिए, आपको एक माइक्रो USB केबल मिल जाती है इस कैमरे को पावर देने के लिए। एंड यहाँ पर दोस्तों देखिए, आपको एक पावर अडाप्टर मिल जाता है इस कैमरे को पावर सप्लाई देने के लिए। एंड यहाँ पर दोस्तों अगर हम आउटपुट देखें तो देखिए, इस अडाप्टर की जो आउटपुट है वो देखिए 5V 1A है, 5W का दोस्तों ये अडाप्टर है। फाइनली दोस्तों देखिए, ये है हमारा कैमरा, जो कि देखिए ऐसी कुछ पैकेजिंग में आपको मिल जाता है। तो देखिए दोस्तों, ऐसा कुछ कैमरा आपको देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर अगर मैं फर्स्ट इंप्रेशंस की बात करूँ तो दोस्तों इस कैमरे में यहाँ पर आपको बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी मिल जाती है, काफ़ी प्रीमियम बिल्ड क्वालिटी मिलती है, लो क्वालिटी का बिल्कुल भी आपको मटेरियल नहीं मिलता है, काफ़ी अच्छी बिल्ड क्वालिटी और फिनिशिंग है। अगर आप इसे घर में रखते हो, ऑफिस में रखते हो, तो काफ़ी एक प्रीमियम लुक आपको देखने को मिलती है। तो दोस्तों ये कैमरा आपको पूरी तरह से मैट फिनिश में देखने को मिलता है। एंड यहाँ पर देखिए, सामने की तरफ आपको यहाँ पर ब्रांडिंग मिल जाती है। एंड यहाँ पर देखिए, आपको 2 मेगापिक्सल का यहाँ पर कैमरा सेंसर मिल जाता है। यहाँ ऊपर की तरफ दोस्तों, यहाँ पर देखिए आपको पावर LED देखने को मिल जाता है। एंड यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर देखिए आपको माइक मिल जाता है।
एंड यहाँ पर बैक साइड अगर हम देखें तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आपको स्पीकर मिल जाता है एंड यहाँ पर देखिए आपको लैन पोर्ट मिल जाता है, तो आप लैन केबल भी डायरेक्टली इसमें लगा सकते हो। एंड यहाँ पर दोस्तों देखिए आपको माइक्रो एसबी स्लॉट मिल जाता है इसे पावर देने के लिए। एंड नीचे की तरफ अगर आप देखोगे तो देखिए दोस्तों ऐसा कुछ ये आपको नीचे से देखने को मिल जाता है। एंड माउंट अगर आपने करना है दोस्तों तो दोस्तों ये वाला जो पार्ट है देखिए ये आप देखिए ऐसे अगर लगा के इसे इंसर्ट करते हो तो देखिए दोस्तों ये लॉक हो जाता है। तो चलिए दोस्तों इस कैमरे को अभी हम पावर देते हैं और इसे ऑन करते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर देखिए रेड कलर की एलईडी लाइट आप देख सकते हो, ये पावर ऑन हो चुका है। तो देखिए दोस्तों अभी जो कैमरा है वो देखिए अपने आप ही देखिए यहाँ पर चल रहा है और अपने आप ही देखिए सेट हो रहा है डिफ़ॉल्ट पोजीशन पर। तो देखिए दोस्तों अभी जो कैमरा है देखिए डिफ़ॉल्ट पोजीशन पर सेट हो चुका है और यहाँ पर जो एलईडी लाइट है देखिए ग्रीन हो चुकी है। तो अब हमने दोस्तों इस कैमरे की जो मोबाइल ऐप है वो इंस्टॉल करनी है। तो देखिए दोस्तों ये ऐप आपने अपने स्मार्टफोन में इंस्टॉल कर लेनी है, इमोयू लाइफ। तो देखिए दोस्तों ये ऐप अभी इंस्टॉल हो चुकी है हमारे स्मार्टफोन में। तो चलिए अभी ऐप को ओपन कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों अभी हमें ऐप में देखिए साइनअप करना पड़ेगा। साइनअप करके दोस्तों अभी हमने फिर ऐप को लॉगिन करना है। तो देखिए दोस्तों मैंने ऐप में लॉगिन कर लिया है और लॉगिन करने के बाद देखिए दोस्तों आपको ऐसा कुछ यूज़र इंटरफेस देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए अभी ऐड डिवाइस वाले ऑप्शन पर आपने क्लिक कर देना है एंड यहाँ पर देखिए ऐसा एक स्कैनर ओपन हो जाएगा और कैमरे के नीचे दोस्तों अगर आप देखोगे तो यहाँ पर देखिए आपको एक क्यू आर कोड मिल जाएगा। तो इस क्यू आर कोड को आपने स्कैन कर लेना है। देखिए स्कैन हो चुका है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर देखिए कैमरा शो करने लग गया, स्कैन हो चुका है। अब आपने देखिए यहाँ पर नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना और यहाँ पर देखिए कुछ बोल रहा है। तो यहाँ पर देखिए डिवाइस की जो है लाइट ऑन रहनी चाहिए, ग्रीन कलर की लाइट आनी चाहिए, वो आ रही है। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए आपने कुछ परमिशंस को अनेबल कर देना है। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए आपने वाईफाई नेटवर्क को सिलेक्ट कर लेना है और दोस्तों फिर आपने वाईफाई का जो पासवर्ड है वो यहाँ पर डाल देना है। तो दोस्तों वाईफाई नेटवर्क का पासवर्ड डालने के बाद आपने कैमरे को वाईफाई से कनेक्ट कर देना है और दोस्तों जैसे ही कैमरा कनेक्ट हो जाएगा आपके नेटवर्क से तो देखिए ऐप में आपको देखिए कैमरा ऐसे शो होने लग जाएगा। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट में देखिए कैमरा जो है कनेक्ट हो चुका है, ऐप में शो कर रहा है। और यहाँ पर दोस्तों अगर आप देखिए क्लिक करोगे तो देखिए दोस्तों अभी जो कैमरा है देखिए यहाँ पर चलता हुआ आपको दिखाई देगा और यहाँ पर देखिए आप इसे देखिए वर्टिकल भी कर सकते हो, हॉरिजॉन्टल भी कर सकते हो। तो देखिए अभी ये फुल स्क्रीन हो चुका है, ऐसा कुछ इंटरफेस आपको मिल जाता है। एंड यहाँ पर दोस्तों देखिए अभी जो कैमरा है आप देख सकते हो, यहाँ पर देखिए आप इसे म्यूट कर सकते हो। यहाँ से देखिए आप इसका जो कीबोर्ड है देखिए यहाँ पर आपको इसका रिमोट जैसा मिल जाता है। तो यहाँ से देखिए आप इसे अप कर सकते हो, डाउन कर सकते हो, लेफ़्ट राइट कर सकते हो, ठीक है। और अगर मैं इसे थोड़ा सा अप करता हूँ तो यहाँ पर दोस्तों अगर आप कैमरे में देखोगे तो देखिए यहाँ पर आपको माइक्रो एसडी कार्ड लगाने का स्लॉट मिल जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों आप माइक्रो एसडी कार्ड लगा सकते हो एंड यहाँ पर दोस्तों देखिए आपको रीसेट का एक स्विच मिल जाता है। तो यहाँ से देखिए आप कैमरे को रीसेट भी कर सकते हो। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए आप कैमरे की जो क्वालिटी है वो देख सकते हो। यहाँ से देखिए आप कैमरे को पूरी तरह से कंट्रोल कर सकते हो, ऊपर नीचे लेफ्ट राइट जैसे भी आपने देखना है। तो आप इसे 360 यहाँ पर रोटेट कर सकते हो। एंड यहाँ पर दोस्तों देखिए अगर आप ऐप में देखोगे तो देखिए यहाँ से आप फोटो क्लिक कर सकते हो, यहाँ से आप देखिए वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हो, यहाँ से देखिए आप माइक को अनेबल कर सकते हो। देखिए अगर आपने मोबाइल में कुछ बोलना है तो आप बोल सकते हो, वो आवाज़ जो है दोस्तों आपको यहाँ पर देखिए कैमरे में भी सुनाई देती है। जैसे मैं अगर इसे देखिए माइक को ऑन करता हूँ, हेलो हेलो, हाँ जी क्या हो रहा है, क्या कर रहे हो आप, तो ये देखिए। तो दोस्तों ऐसे आप यहाँ पर माइक का भी यूज़ कर सकते हो, टू वे अगर आपने टॉकिंग करनी है, आपस में बातचीत करनी है तो वो भी दोस्तों आप कर सकते हो। एंड यहाँ पर देखिए आपको जो इसका जो ये कंट्रोलर है वो मिल जाता है। एंड यहाँ पर दोस्तों देखिए आपको ऐप में प्राइवेसी मोड मिल जाता है। तो यहाँ से देखिए प्राइवेसी मोड को अनेबल या डिसेबल कर सकते हो। जैसे आप देखिए प्राइवेसी मोड को अनेबल करते हो तो देखिए जो कैमरा है वो बंद हो जाता है एंड इसे चलिए ऑफ कर देते हैं। एंड यहाँ पर सायरन वाला भी एक ऑप्शन आपको मिल जाता है, तो आप सायरन भी बजा सकते हो। तो चलिए सायरन बजा के देखते हैं, यहाँ पे आ रहा है कुछ ज़्यादा ही तेज़ होता है, सायरन देख लेते हैं। एंड यहाँ से दोस्तों देखिए आप यहाँ पर वीडियो का जो रेजोल्यूशन है वो भी सेट कर सकते हो, फुल HD 720x480। तो जितना भी आपको रेजोल्यूशन चाहिए वो भी यहाँ पर आप सेट कर सकते हो। एंड इसके अलावा यहाँ पर कुछ और सेटिंग्स भी दे रखी है। यहाँ पे इवेंट्स वगैरह एक ऑप्शन मिल जाता है, ह्यूमन डिटेक्शन वगैरह का यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। एंड यहाँ पर दोस्तों देखिए आपको प्लेबैक वाला ऑप्शन मिल जाता है। तो जितनी भी जो रिकॉर्डिंग है वो कैमरे से हुई है वो यहाँ पर आप चेक कर सकते हो। और यहाँ पर देखिए मेमोरी कार्ड का भी सपोर्ट आपको मिल जाता है। तो अभी मेमोरी कार्ड हमने नहीं लगाया, तो मेमोरी कार्ड में जितने भी वीडियोस रिकॉर्ड होती रहेगी वो यहाँ से आप देख सकते हो। या फिर दोस्तों जो क्लाउड स्टोरेज है उसमें भी जो स्टोरेज में आप वीडियोस रिकॉर्डिंग रखी हुई है वो भी आप देख सकते हो। एंड इसके बाद यहाँ पर देखिए रिकॉर्डिंग वाला ऑप्शन मिल जाता है आपको, ऑल रिकॉर्डिंग्स, तो यहाँ पर भी वही चीज़ मिल जाती है आपको।
तो यहाँ पर देखिए ऐसी कुछ ऐप आपको देखने को मिल जाती है। एंड यहाँ पर जो वीडियो क्वालिटी मिलती है आपको इस कैमरे में वो काफ़ी अच्छी मिल जाती है। 2 मेगापिक्सल का कैमरा है, बट दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो जो कैमरे में क्लैरिटी है वो काफ़ी अच्छी मिल जाती है। एंड यहाँ पर रेजोल्यूशन के साथ साथ डिस्प्ले में यहाँ पर आपको कलर्स भी काफ़ी अच्छे मिल जाते हैं, काफ़ी रिच कलर्स दे रखे हैं कैमरे में। तो कैमरा काफ़ी अच्छा काम कर रहा है और कैमरे में लैग भी बिल्कुल नहीं है, बहुत अच्छे से काम कर रहा है। यहाँ पर आप मेरी मूवमेंट भी देख सकते हो कैमरे में, तो यहाँ पर मूवमेंट जो है बिल्कुल स्लो नहीं है, काफ़ी अच्छे से फास्ट मूवमेंट यहाँ पर आपको मिल जाती है। और दोस्तों जो नोटिफिकेशन है वो भी यहाँ पर लगातार आ रहे हैं, जैसे ह्यूमन डिटेक्शन, जैसे मैं कैमरे के आगे मूवमेंट कर रहा हूँ तो उसके मेरे को जो नोटिफिकेशन है वो साथ के साथ देखिए यहाँ पर मिली जा रहे हैं, देखिए ह्यूमन डिटेक्टेड यहाँ पर आ रहा है। तो चलिए दोस्तों अभी मैं इस कैमरे को एक जगह सेट कर देता हूँ और फिर दोस्तों हम इस कैमरे की कुछ रिकॉर्डिंग करके देखते हैं, लो लाइट में और नॉर्मल लाइट में, अंधेरे में भी देखते हैं दोस्तों कैसी कैमरे की रिकॉर्डिंग हमें मिलती है। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए हमारे पास एक 128 GB का माइक्रो एसडी कार्ड है, तो ये माइक्रो एसडी कार्ड देखिए अभी हम इस कैमरे में देखिए लगा देते हैं। तो दोस्तों अभी जो कैमरा है हम टेस्टिंग के लिए लगा देते हैं, तो यहाँ पर जस्ट टेस्टिंग के लिए मैं इसे यहाँ पर इंस्टॉल कर देता हूँ, ऐसे रख देते हैं इसे, और इसका जो यहाँ पर अडैप्टर है देखिए मैं प्लग इन कर देता हूँ। तो दोस्तों अभी जो आप ये वीडियो रिकॉर्डिंग देख रहे हो दोस्तों इस कैमरे के थ्रू भी रिकॉर्ड हो रही है, और दोस्तों अभी मैंने इस कैमरे का माइक भी ऑन कर रखा है, तो जो ऑडियो रिकॉर्डिंग आप सुन रहे हो दोस्तों वो भी इस कैमरे के थ्रू ही रिकॉर्ड हो रही है। और दोस्तों अभी देखिए लाइट चल रही है, तो अच्छी अगर लाइट रहती है तो दोस्तों ऐसी आपको वीडियो रिकॉर्डिंग मिल जाती है इस कैमरे में। और दोस्तों मेरे अकॉर्डिंगली जो मैंने चेक किया है तो यहाँ पर जो आपको कैमरे की जो रिकॉर्डिंग मिलती है वो काफी अच्छी मिल जाती है, अगर लाइट अच्छी है तो आपको काफी क्लैरिटी वाली वीडियो रिकॉर्डिंग मिल जाती है इस कैमरे में। तो देखिए दोस्तों अभी जो है मैंने लाइट्स ऑफ कर दी है, बाहर से थोड़ी सी लाइट आ रही है, थोड़ा उजाला है बस, ज्यादा तो नहीं है, बट अगर थोड़ा बहुत उजाला रहता है, पूरी तरह से अंधेरा नहीं है, थोड़ी रोशनी भी अगर बाहर से आ रही है, तो ऐसी आपको वीडियो रिकॉर्डिंग मिल जाती है इस कैमरे में। और यहाँ पर जो मैं इस कैमरे की रिकॉर्डिंग देख रहा हूँ मोबाइल में, तो यहाँ पर जो अभी इस कंडीशन में भी जो रिकॉर्डिंग है वो काफी अच्छी है, काफी कुछ अच्छे से समझ आ रहा है, तो यहाँ पर लो लाइट में भी आपको काफी अच्छी रिकॉर्डिंग मिल जाती है। तो दोस्तों अभी आप देख सकते हो बिल्कुल रात हो रखी है, बिल्कुल अंधेरा है और बिल्कुल भी मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, बट मुझे ये पता है कि कैमरा कहाँ पड़ा है, बिकॉज यहाँ पर कैमरे में जो लाइट है वो मुझे दिख रही है। तो यहाँ पर देखिए बिल्कुल लो लाइट अगर होती है, बिल्कुल अंधेरा रहता है, तो नाइट विजन मोड की अगर मैं बात करूँ तो ऐसे आपको नाइट विजन मोड मिल जाता है। तो अभी जो वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है दोस्तों इस कैमरे के थ्रू ही हो रही है, और नाइट मोड में देखिए ऐसे आपको वीडियो क्वालिटी मिल जाती है, और देखिए बिल्कुल अंधेरा है, बट यहाँ पर जैसे मैं मोबाइल में देख पा रहा हूँ मोबाइल की स्क्रीन पर, तो यहाँ पर काफी अच्छी यहाँ पर वीडियो रिकॉर्डिंग देखने को मिलती है। कलर तो नहीं आएंगे नाइट मोड में, यहाँ पर आपको बिल्कुल भी कलर देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन ब्लैक एंड व्हाइट कंडीशन में ही यहाँ पर आपको काफी अच्छी यहाँ पर वीडियो क्वालिटी मिल जाती है। हाँ तो ब्लैक एंड व्हाइट, मगर यहाँ पर जो देखने में जो यहाँ पर जो चीज है वो बिल्कुल अच्छे से समझ आ रही है। देखिए दोस्तों ऐसे आपको इस कैमरे में ह्यूमन ट्रैकिंग वाला फीचर भी मिल जाता है। तो दोस्तों अगर आप देखिए इस कैमरे के आगे आते हो तो अगर आप मूवमेंट करोगे ना तो कैमरा आपको फॉलो भी करता है। देखिए जैसे मैं इधर आता हूँ तो देखिए कैमरा सेट हो गया, अगर मैं मूव करता हूँ आगे जाता हूँ तो देखिए कैमरा मुझे फॉलो कर रहा है। तो यहाँ पर देखिए आपको ह्यूमन ट्रैकिंग वाला जो फीचर है देखिए वो भी इस कैमरे में मिल जाता है। तो मूवमेंट अगर आप करते हो तो कैमरा आपको फॉलो करता है, ये वाला फीचर भी देखिए इस कैमरे में काफी अच्छे से काम कर रहा है और काफी अच्छा फीचर है ये। तो दोस्तों ये सिक्योरिटी कैमरा मुझे काफ़ी पसंद आया दोस्तों, डेफिनेटली आप इसे परचेज कर सकते हो। यहाँ पर दोस्तों आपको इस कैमरे में बिल्ड क्वालिटी और परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी मिल जाती है। वीडियो क्वालिटी जो है इस कैमरे में वो मुझे काफ़ी पसंद आई दोस्तों, काफ़ी अच्छी वीडियो रिकॉर्डिंग मिल जाती है इस कैमरे में आपको, रोशनी में भी और नाइट विजन में भी दोनों ही कंडीशंस में। और दोस्तों इसे लगाना भी बहुत ईजी, आप इसे अपने आप ही लगा सकते हो और ज़्यादा प्राइसिंग भी ज़्यादा नहीं है, 1500 रुपये की प्राइसिंग में आप इसे परचेज कर सकते हो। एंड दोस्तों ऑलमोस्ट सारे ही फीचर आपको इस सिक्योरिटी कैमरे में देखने को मिल जाते हैं। एंड दोस्तों ये वीडियो देखने के बाद आई होप आपके सारे ही डाउट्स क्लियर हो गए होंगे इस कैमरे को लेकर। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। और दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हो एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। एंड दोस्तों अगर ये कैमरा आप परचेज करना चाहते हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन दोस्तों लिंक मैंने दे दिया है, वो लिंक चेकआउट करके दोस्तों आप इस कैमरे को परचेज कर सकते हो। तो दोस्तों मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नई चीज़ के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू सून।